नमस्कार बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2N टू एंड डिजिटल एजुकेशन में मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ठीक है लेक्चर है सेकंड आई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ठीक है कि किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी एक पॉइंट पी पे कितना हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख पा रहे हैं ठीक है कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वहां पे बनता है ठीक है स्टार्ट करेंगे इसे एक डायपोल से ये फॉर्म कर लिया हमने कोई, कोई चार्ज मान लिया मैंने माइनस क्यू यहां पे कोई चार्ज मान लिया प्लस क्यू ठीक है ये इसका कोई सेंटर हो गया ओ ठीक है ये इसका सेंटर हो गया अब यहां से कोई पॉइंट है p ये बोल दिया मैंने पॉइंट p अगर मैं पॉइंट p की डिस्टेंस देखूं कहां से सेंटर से तो ये होगी कोई डिस्टेंस ये वाली इसको बोल दिया मैंने r ठीक है ये डिस्टेंस है पॉइंट p की इसके सेंटर डाइपोल के सेंटर से ठीक है अगर मैं यहाँ डिस्टेंस देखूं ये डिस्टेंस है a तो ये भी कितनी हुई a इसलिए टोटल डिस्टेंस क्या मानी जाती है हमारी 2a ठीक है सेकंड चीज मुझे क्या देखनी है सेकंड चीज देखूंगा कि पॉइंट p माइनस क्यू चार्ज से कितना दूर है और पॉइंट पी प्लस चार्ज से कितना दूर है तो यहां से मैं ये बोल दिया आर वन ठीक है ये बोल दिया मैंने आर ठीक है ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस होगी कि आर वन क्या है नेगेटिव चार्ज से पॉइंट पी की डिस्टेंस और आर टू क्या है पॉजिटिव चार्ज से पी की डिस्टेंस ठीक है अब इसके साथ में क्या देखूंगा कि यहां पे कोई एंगल बन रहा है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं थीटा से कि जो पॉइंट पी है वो डायपोल से कितना एंगल बना रहा है एक थीटा एंगल बना रहा है ठीक है अगर मैं बात करूं देखिए ठीक है मैं यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने वाला हूं यहां तक सेम कंडीशन में इसके साथ करूंगा इस तरीके ठीक है ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ठीक है ये एक्चुअल में कितना बैठा यहाँ पे एक ट्राइंगल है ये वाला ठीक है इस ट्राइंगल से यहाँ पे ये बेस एंगल है बेस एंगल के साथ जो कॉम्पोनेंट होता है वो क्या होता है हमारा ये होगा हमारा ए कॉस थीटा सेम कंडीशन इसके साथ ये थीटा है तो ये साइड कितनी होगी मेरी ए कॉस थीटा ठीक है तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज तो मैंने बोल दिया पी ठीक है माइनस क्यू की वजह से कितना बना वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नोट माइनस क्यू ओवर आर माइनस क्यू से डिस्टेंस क्या है आर वन ठीक है जी सेम कंडीशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना बना वन अपॉन फोर पाई एफ साइन और प्लस क्यू ओवर आर ठीक है अब मुझे एक कंडीशन क्रिएट करनी है यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है आर वन और आर टू ठीक है इन डिस्टेंसेस को कंपेयर करके देखना है ठीक है मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो डिस्टेंस है ठीक है इस पॉइंट के रिगार्डिंग ये डिस्टेंस मैं मानूंगा कि अगर मैं माइनस क्यू को पी के साथ देखूँ तो इसकी लगभग डिस्टेंस कितनी बैठ रही है यहां तक की डिस्टेंस बैठ रही है जिसको बोलूंगा मैं ये आर है और ये क्या हो गया प्लस ए कोस्टिटा ठीक है तो मैं आर वन को लगभग किसके इक्वल मान रहा हूँ आर प्लस ए थीटा के इक्वल मान लो ठीक है सेकंड कंडीशन मुझे क्या क्रिएट करनी है आर टू लगभग या सिमिलर टू लगभग कितनी होनी चाहिए इतनी आर टू होनी चाहिए हमारे यहाँ तक आर माइनस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है तो आर वन को बोल दिया आर प्लस ए थीटा, आर टू को बोल दिया आर माइनस ए थीटा तो इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना बैठा वो उसकी वैल्यू जो बैठेगी वो बैठेगी हमारी बी इक्वल टू बी चार्ज की वजह से प्लस बी पॉजिटिव चार्ज की वजह से ठीक है तो बी माइनस क्यू प्लस बी प्लस क्यू और वैल्यू क्या बनी वन अपन फोर पाई एफ साइन नॉट वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट माइनस क्यू माइनस क्यू ओवर आर वन प्लस

इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है बस नेगेटिव चार्ज अलग है तो वैल्यू क्या बची वन अपॉन आर वन की जगह लिखने जा रहा हूं मैं आर प्लस ए कॉस थीटा कौन सा नेगेटिव का क्लियर वन अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा इस तरीके से ये क्लियर है v equals to Q over 4 pi epsilon तो common आ दोनों में से और वैल्यू क्या बची माइनस वन अपॉन आर प्लस एक ऑसा प्लस आर माइनस एक ऑसा तो ये दो वैल्यूज मेरी बन गई है लेके चलते हैं इसे आगे आर इक्वल टू आर वी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एफ साइन ठीक है वन अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा अब ये करने का रीजन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज को मैं पीछे लिखूंगा और इसको पॉजिटिव चार्ज वाले को आगे लाऊंगा ठीक है माइनस वन अपॉन आर प्लस ए कॉस इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा एलसीएम आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से ठीक है जी तो एक फॉर्मूला होता है हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी तो इसी को हम सिंप्लीफाई करके क्या लिखते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वहां से मैंने ये क्या है इसका ले लिया ठीक है ऊपर क्या आएगा थीटा ठीक है और माइनस माइनस आर माइनस माइनस प्लस ए थीटा ठीक है और भार क्या है क्यू ओवर फोर पाई एफ साइन नॉट इक्वल टू ये आगे मेरे पास वैल्यू ठीक है अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है माइनस आर और प्लस आर तो माइनस आर और प्लस आर को कैंसिल कर बचा क्या ए कॉस थीटा ए कॉस थीटा तो दो बार है टू ए कॉस थीटा तो वी इक्वल्स टू मेरा बना क्यू इन टू टू कॉस थीटा अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट और स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब मुझे पता है q into 2A तो कुछ होता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है तो क्यू इंटू टू ए की वैल्यू बैठी p तो यहाँ q इंटू टू ए की जगह क्या लिख दूंगा मैं p ठीक है तो v इक्वल टू सीधा सीधा आगे मेरा वन फोर फाइव नोट ठीक है p Cos theta upon R minus A square cos square अगर मैं बात करूँ इस डायग्राम की तो यहाँ पे अगर मैं इस डिस्टेंस को कंपेयर करू एसटा को तो ए कॉस्टीटा इज वेरी वेरी लेस देन आर कि आर जो डिस्टेंस है उसके कंपैरिजन में ए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा छोटी है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे ए कॉस थीटा को ठीक है जब ये पहले ही वैल्यू छोटी है और उसका भी स्क्वायर कर दिया ठीक है तो अब ये V इक्व टू क्या बना मेरा वन अपॉन फोर पाई एफ नॉट कंडीशन क्या थी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एस थीटा ठीक है तो फाइनल वैल्यू गई पी कॉस थीटा अपॉन आर ये बन गई फाइनल डेरिवेशन ठीक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल ठीक है अब इसमें कुछ कंडीशंस देखें, देखेंगे कुछ केसेस देखेंगे ठीक है कौन कौन से पहला है इफ पॉइंट पी लाइज ऑन दी एक्सिल डाइपोल जैसे अगर मैं बात कर रहा था डाइपोल्स की ये है डाइपोल तो इसी के इधर की साइड या फिर इधर की साइड इसकी एक्सेल लाइन पे ही अगर मैं पॉइंट पी को रखता हूँ तो उस कंडीशन में मेरी वैल्यू कितनी बनने वाली है ठीक है तो इस कंडीशन में जो एंगल रहने वाला है मेरा थीटा थीटा रहने वाला है मेरा जीरो अगर पॉइंट पी इधर है और पॉइंट पी इधर है तो थीटा इक्व टू रहने वाला है मेरा वन ठीक है जी तो पी की ये वी की वैल्यू क्या बनी वी इक्व टू होता है वन अपॉन पाई एफ साइन ठीक है पी कोस अपॉन आर स्क्वायर कोस जीरो कोस जीरो का मतलब वन तो वी इक्वल टू बन गया मेरा वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट ठीक है पी अपॉन आर स्क्वायर क्लियर है तो पोटेंशियल एट एक्ल कितना बना वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नॉट पी ओवर आर स्क्वायर ठीक है अगर मैं नेगेटिव मतलब कि वन एट्टी लेता हूँ तो 180, 1, और उससे वैल्यू क्या आ जाएगी बी इक्वल डाइपोल ठीक है ये कोई डाइपोल हो गया हमारा ये हो गया नेगेटिव इसके इक्वेटोरियल पोजिशन पे मतलब की डीटा इक्वल टू नाइनटी पे पॉइंट पी है तो बी की वैल्यू कितनी बनी बी इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाइव नोट पी इन टू कॉस आ गया नाइनटी ओवर आर और कॉस नाइनटी की वैल्यू हमें पता है कितनी होगी तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे किसी भी डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो होती है हमारी जीरो ठीक है आगे चलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेिस ठीक है अगर मैं इक्वी पोटेंशियल की बात करूं ठीक है तो ऐसी सरफेस ठीक है जैसे मैंने मान लिया ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ऐसी सरफेस जिसमें किसी भी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पे वो क्या रहने वाला है सेम रहने वाला है ठीक है जी ऐसी सरफेस जिसमें इक्विपोटेंशियल की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम रहे उसी को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ठीक है डिफाइन किस तरीके से करेंगे इट इज द सरफेस ठीक है ऐसी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ बीच, जिसकी हर पॉइंट पे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम हर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे रहने वाला है सेम रहने वाला है इसी को हम क्या बोले? बोल लें इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं ठीक है अब आगे चलते हैं दूसरी डेफिनेशन देखेंगे द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए मीडियम ठीक है विच आर इक्वल और सेम पोटेंशियल मतलब कि ऐसे पॉइंट्स जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो same हो तो उन को हम क्या बोलेंगे बोलेंगे क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर वेरियस चार्ज सिस्टम ठीक है कुछ सिस्टम देखेंगे कि सिंगल चार्ज डबल चार्ज की वजह से इक्वी पोटेंशियल सर्फेसिस किस तरीके से क्रिएट होते है? तो पहला है हमारा एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है मैंने मान लिया ये हो गया आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज प्लस ठीक है इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस देखू मैं तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस क्या होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह होंगे इस तरीके से ठीक है अगर मैं बात करूं यहां पर पोटेंशियल यह कहां पर सेम रहने वाला है तो अगर इसकी बात करूं तो इसके इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ठीक है जितने भी पॉइंट में देखूंगा इस सर्कल के ठीक है इन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है सेम है ठीक है जी इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो इसी पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं ये कौन सा इक्विपोटेंशियल है ये है फॉर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ठीक है इस सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू रहने वाली है सेम ठीक है अगर मैं दूसरे सर्कल की बात करता हूँ मान लिया ये वाला तो इसके हर पॉइंट पे पॉइंट जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्रिएट हुआ है इसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहने वाली है सेम रहने वाली है ठीक है तो इन पॉइंट्स की सबकी वैल्यू सेम है इन पॉइंट्स की वैल्यू सेम है आपस में ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इस तरीके से तो यहां यहाँ पे पोटेंशियल सर्फेसिस कैसी बनती है यहां पे जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस होती है वो होती है एक सीट की तरह इस तरीके से ठीक है जी तो ये हो गए इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से ठीक है नेक्स्ट है फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देखिए एक चार्ज मान लिया मैंने यह है पॉजिटिव चार्ज एक दूसरा चार्ज है हो गया नेगेटिव चार्ज तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या है नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है इस तरीके से तो अगर मैं फील्ड लाइंस की बात करूं इसमें अपोजिट इक्वल और अपोजिट चार्जेस की बात करूं और उसमें फील्ड लाइंस की बात करूं तो फील्ड लाइंस कहां पे ज्यादा है फील्ड लाइंस इनके बीच में ज्यादा है ठीक है इनके दोनों एंड्स पे क्या है फील्ड लाइंस इधर भी कम है इधर भी कम है तो इस कंडीशन में हमारे जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगे वो किस तरीके से डिनोट करे जाएंगे देखिए ठीक है यहां से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरह के. ठीक है सेकंड के लिए ड्रॉ करूं सेकंड के लिए कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है तो इसमें मैं अगर एक डिफरेंस देखूं तो मिड में क्या है इन फील्ड लाइंस के बीच में गैप कम है ठीक है और जैसे मैं इन एंड्स पे देख रहा हूं तो फील्ड लाइंस के बीच में गैप क्या है इन लाइंस के बीच में गैप क्या है ज्यादा है ठीक है तो इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल यहां पे क्रिएट हुई है ये सारे वाले हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी एज टू दी क्लियर है तो, तो ये किसके लिए आ गया एग्जाम्पल टू इक्वल अपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए एग्जाम्पल आ गया फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर पेयर ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस मतलब कि वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और नेचर भी सेम होना चाहिए या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव ठीक है ये ले लिया मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज ये भी हो गया कोई पॉजिटिव चार्ज ठीक है इसकी वजह से फील्ड लाइंस बनेंगी कुछ ठीक है अगर मैं इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल सर्कल्स सर्कल्स यहां पे फॉर्म करूं तो किस तरीके से आएंगे ठीक है तो इस कंडीशन में या तो इस चार्ज की बात करूं या इस चार्ज की बात करूं इनके एंड्स पे जो एक गैप होगा ये कम होगा यहां पे गैप ज्यादा होगा सेम कंडीशन इसके लिए भी इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पे गैप क्या है कम है यहाँ पे भी गैप कम है और बीच में गैप क्या है गैप ज्यादा है ठीक है तो ये कौन सी कंडीशन है जब हम एक पेयर लेंगे सिमिलर पॉइंट चार्जेस का अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं दोनों में सेम कंडीशन रहने वाली है नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सर्फेस है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ठीक है तो पहला है कि किसी भी चार्ज को किसी इक्विपोटेंशियल से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कोई वर्क डन नहीं लगेगा ठीक है तो नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सर्फेस मान लो ये इक्विपोटेंशियल सर्फेस है इसका ये एक पॉइंट है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है बी ए ये बोल दिया बी बी अगर मैं इस इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब बी एक्वल टू बीबी और डब्लू अपॉन मतलब बोल सकते हैं मेरा तो किसी भी पे एक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किसी भी तरीके का डन नहीं होता है नेक्स्ट की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईएस तो अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं यहाँ पे ये क्या है एक ये एक पोटेंशियल सरफेस है तो so, यहाँ से इसकी सरफेस से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा परपेंडिकुलर होगा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर है ठीक है नेक्स्ट है ई एस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है जी तो so, इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल जो सर्फेसिज होती है वो हमें क्या हेल्प करती है बताने में वो ये बताने में हेल्प करती है कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कहाँ पे वीक फील्ड है ठीक है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डिनोट करती है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेज आगे चलते हैं नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज इंटरसेक्ट ईच अदर हमने एग्जाम्पल भी देखा था इस तरीके से कॉन्सेंट्रेट सर्कल्स बन रहे थे ठीक है तो ये क्या है कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ठीक है थीके? तो अगर कहीं पे ये कंडीशन हो रही है तो इसका मतलब वहां पे कहीं दो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस है जिनकी अलग अलग डायरेक्शन है ठीक है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो भी हमारी ठीक है जो भी हमारी लाइंस होंगे या जो पॉइंट्स होंगे आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कि मान लो इसको ये इंटरसेक्ट कर गया ऐसे ये कभी नहीं होगा ठीक है ये अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कोई दूसरी पोटेंशियल सरफेस है ठीक है जी आगे चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ठीक है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में भी हमने देखी लेक्चर फर्स्ट में कि होती क्या है ठीक है यहाँ पे दोबारा से देखेंगे पर यहाँ पे क्या है एक सिस्टम के रिगार्डिंग देखेंगे ठीक है अब वो सिस्टम चार्जेस का होगा या तो एक चार्ज होगा या दो चार्ज सिस्टम होगा या तीन चार्ज या चार चार्ज एन नंबर ऑफ चार्जेस होंगे तो उनकी वजह से जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन रही है उसी को बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस क्लियर है इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस सिस्टम कैसा होना पॉइंट चार्ज का सिस्टम होना चाहिए बहुत सारे पॉइंट चार्ज होंगे उनको हमने एक सिस्टम बोल दिया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे दोटल वर्क डन ठीक है जी जो टोटल वर्क डन हो रहा है इन ब्रिंगिंग दी चार्जेस टू देयर रेस्पेक्टिव पोजिशन मतलब मान लो ये उनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन हैं ठीक है थीके? कहीं हम उठा के ला रहे हैं उसको इन्फिनिटी से उठा के ला रहे हैं इस तरीके से ये क्या है इंफिनिटी ठीक है तो इन्फिनिटी से चार्जेस को उठा के ला रहे हैं उनकी एक्चुअल पोजिशन पे तो ऐसा करने में जो भी हमारी वर्क डन यूज हुई है ठीक है इसी को हम क्या बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस Clear है पोजिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म सिस्टम ऑफ चार्जेसिटी से ठीक तो है, उसी को हम बोल रहे है जी नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस इसी दो पॉइंट चार्ज की बात करूंगा मैं और उसमें कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि, कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा e होगा हमारा जीरो। देखो स्टार्ट करते हैं हम कोई चार्ज है ये बोल दिया मैंने q1 ठीक है अब जब मैं q1 को यहाँ पे लेके आया कहाँ से इन्फिनिटी से लेके आया तो यहाँ पे किसी और चार्ज के ना होने की वजह से इस पे कोई वर्क डन नहीं लगेगा जब इस पे कोई वर्क डन नहीं लग रहा है तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी वर्क की वैल्यू होगी हमारी 0 फर्स्ट कंडीशन ठीक है ये आ गया इन्फिनि से उठा के हम इसको ले आए सेकंड कंडीशन देख रहा हूं मैं कि कोई चार्ज है ये बोल दिया मैंने Q2. इसको मैं उठा के लाया था इन्फिनिटी से ठीक है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाया हूं तो अब मुझे पता है पहले से यहाँ पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है क्यू वन इस चार्ज की वजह से इस पे क्या है एक फोर्स लगेगी ठीक है और इसको फोर्स लगेगी और उसके हम जो फोर्स है दोनों का नेचर सेम है तो फोर्स क्या है रिपल्सिव फोर्स है तो उसके अगेंस्ट में इस चार्ज को उठा के लाया तो इसमें क्या लगने वाला है एक वर्कडन लगने वाला है क्लियर है अब वर्कडन की वैल्यू क्या होगी ये बोल दिया मैंने आर ठीक है वर्कडन की अगर वैल्यू देखू मैं तो डब्ल्यू टू इक्वल्स टू बैठेगा पोटेंशियल पोटेंशियल किसकी वजह से पहले चार्ज की वजह से ठीक है और किस चार्ज पे लग रहा है सेकंड चार्ज पे ठीक है जी तो वर्क डन आ गया सेकंड चार्ज का कितना लगा V into Q2 V क्या है इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे बना है उसे बोलेंगे V ठीक है तो W2 इक्वल तू V into Q2 अगर यहाँ से मैं वैल्यू देखूं V की तो one upon four pi नॉट naught Q1 क्योंकि V किसकी वजह से बना था Q1 की वजह से बना है तो Q1 upon R12 into Q2 तो W इक्वल तू बन गया W1 प्लस W2 तो इस दो पॉइंट के चार्ज सिस्टम की वजह से जो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू बनी है वो कितनी बनी है टोटल W इक्वल तू W1 प्लस W2 और वैल्यू कितनी है ये तो जीरो है तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी बनी वन अपॉन फोर पाई एप्साइन नोट Q1 Q2 ओवर R12 ठीक है और Q की ये हम एनर्जी की बात कर रहे हैं स्टोर्ड की ठीक है तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा वर्कडन को किससे U से तो अब आ गया मेरा ये पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन गई मेरी वैल्यू U इक्वल टू वन पॉइंट फोर पाई एफ साइन नॉट क्यू वन क्यू ओवर आर वन क्लियर है ये चीजें नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ थ्री पॉइंट चार्जेस अभी हमने दो चार्जेस देखे अब देखेंगे हम तीन चार्जेस ये मान लिया मैंने क्यू वन ये कोई हो गया क्यू टू तो क्यू वन की वजह से पोटेंशियल बना ठीक है क्यू टू की वजह से इसको बोल दिया मैंने V1 वन क्यू की वजह से पोटेंशियल बन गया V2 अब पहले तो एक चीज देखेंगे कि चार्ज को जब ब्रिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है? चार्ज W1 जी. इलियर है? कोई डाउट नहीं सेकेंड आता है Q2 तो जब Q2 को ला रहे थे तो इसकी चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसकी वजह से हमें कुछ डन करना पड़ रहा है तो मैं इसको इन्फिनिटी से लेके आया है ठीक है ये डिस्टेंस मैंने मान ली आर वन टू तो डब्लू टू या फिर इसको बोलो यू टू कितना वैल्यू बनी मेरी पाई नॉट आर वन टू ठीक है तो ये कंडीशन मेरी पिछली वाली बन चुकी है अब तक टू चार्ज सिस्टम की अब मैं इसमें क्या है थर्ड और लेके आ रहा हूँ थर्ड चार्ज में उठा के लाया मान लिया ये रहा थर्ड चार्ज कहाँ से इन्फिनिटी से चार्ज का नाम दे दिया मैंने q3 तो चार्ज आ गया मेरा q3 अब इस q3 चार्ज को पहली चीज इसका सामना करना पड़ेगा दूसरा इसका सामना करना पड़ेगा तो दोनों की वजह से अलग-अलग वर्क डन लगेगा देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोल दिया मैंने r13 यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोल दिया r थे अगर मैं बात करूं की तो एक तो एक इसे किसकी वजह से इसकी से, V1, Q3. दूसरा, V2, Q3. इसकी वजह वजह से से दूसरा लगाना पड़ रहा है और Q2 की वजह से लगाना पड़ रहा है इसकी वजह से पोटेंशियल तो टोटल आ गया डब्ल्यू थ्री टू वी वन क्यू थ्री प्लस बीटू क्यू थ्री इनकी वैल्यूज बनगी वन, वन अपॉइन फोर पाइव एफ साइन नोट क्यू वन क्यू थ्री ओवर आर वन थ्री प्लस वन अपॉन फोर नोट क्यू क्यू टू थ्री आवर पाइन आर ठीक है अब अगर मैं नेट इस सिस्टम की नेट वर्डन की बात करूं तो डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री तो सबको ऐड कर दो पहला क्या है जीरो जीरो प्लस दूसरा क्या है वन अपॉन

अगर इसमें से इसको क्या बोलूंगा मैं? पहले तो इसको यू से रिप्रेजेंट कर दो पोटेंशियल एनर्जी से अगर इसमें से मुझे कॉमन निकालना है तो कॉमन किस तरीके से आएगा कॉमन आएगा इसमें तो ठीक है और समेशन ऑफ ठीक है समेशन किस चीज का देखो अगर मैं चार्ज पहले और दूसरे की बात करू तो डिस्टेंस पहले दूसरे की फिर सेकेंड कंडीशन पहले तीसरे की तो चार्ज पहला और तीसरा फिर चार्ज दूसरा तीसरा और आर टू थ्री ठीक है तो इन सब चार्जेस को विद रेस्पेक्ट तो डिस्टेंस इनको सब सम करता चला जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी टोटल पोटेंशियल की वैल्यू देखो ये आ गया क्यू वन क्यू टू ओवर आर वन टू क्यू वन क्यू थ्री ओवर आर वन थ्री प्लस Q2, Q3 over R, इस तरह ठीक है तो ये आगे टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कहां पे जब तीन पॉइंट चार सिस्टम हम यूज करेंगे क्लियर है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं अब है हमारा पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्जेस ठीक है तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं वन पॉइंट फोर फाइव एफ साइन नोट ठीक है कितना क्यू वन क्यू टू ओवर आर वन टू क्यू टू क्यू थ्री ओवर आर वन थ्री टू थ्री क्यू वन क्यू थ्री ओवर आर वन थ्री प्लस ठीक है क्यू वन क्यू वन ओवर आर वन ठीक है जी ये सारी वैल्यूज क्या है एन तक की वैल्यूज हमने यूज कर लिया है ठीक है इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको एन बोल दो इसको एम बोल दो ठीक है तो वैल्यू क्या आएगी मेरी यू इक्वल्स टू आ जाएगी वन अपॉन फोर फाइव नॉन समेशन ऑफ ठीक है आई इक्व टू एन क्यू आई को बोल दिया मैंने क्यू पी ओवर आर आई ठीक है आई इक्व टू एन है? और p इक्वस टू एन प्लस वन इस तरीके से और i इक्वस टू कहां से मैं यहां से इसकी वैल्यू लूंगा ये हम करते हैं देखो जीरो से ली मैंने एन तक और पी की वैल्यू क्या ली वन से ली मैंने एम तक ठीक है जी या वन से नहीं टू से स्टार्ट कर लो इसको वन से स्टार्ट कर लो तो एक वैल्यू एक्स्ट्रा ही लेके चलनी पड़ेगी हमें कहाँ तक एन और एम तक तो ये आ गई टोटल पोटेंशियल की वैल्यू और एन पॉइंट चार सिस्टम ठीक है जी नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड ठीक है अभी तक हम किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फील्ड नहीं यूज कर रहे थे अब पहली बार होगा जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड में यूज करूंगा इस तरीके से जब किसी भी रीजन में एक फील्ड होगा तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो जाएगा वहां पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा देखो मैं कोई चार्ज लेके आया ये मान लिया मैंने चार्ज इसकी वैल्यू है Q1 ठीक है अब मैं चार्ज लेके आ रहा हूं ठीक है तो चार्ज को लाते में कोई वर्क डन लगेगा अब किसकी वजह से लगेगा इसमें पोटेंशियल की वैल्यू मान ली वी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e. तो इस पोटेंशियल की वजह से इस चार्ज पे इन्फिनिटी से लाने पे इस चार्ज पे क्या है एक वर्गडन लग रहा है तो वर्गडन कितना निकला मेरा डब्ल्यू वन इक्व टू कितना ठीक है जी तो एक्सटर्नल फील्ड की वजह से एक वर्गन लगेगा उसकी वैल्यू होगी W टू वी इन टू ठीक है तो ये किसके लिए होगा सिंगल चार्ज के लिए होगा हो अब चार्जेस हम बढ़ाएंगे अब टू पॉइंट चार्ज रख दिया हमने देखिए पहला चार्ज लेके आया मैं क्यू वन ये हो गया पहला चार्ज कोई दूसरा चार्ज लेके आया क्यू टू ये हो गया दूसरा चार्ज दोनों को कहाँ से ला रहा हूँ मैं इंफिनिटी से ला रहा हूँ इस तरह ठीक है और इनके बीच की एक डिस्टेंस भी मैं यूज करता हूँ ये हो गया इसके बीच की डिस्टेंस आर वन ठीक है तो अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो पहले तो डन निकालो किसकी वजह से डब्लू वन पोटेंशियल वी की वजह से तो वी इंटू क्यू वन पहली ठीक है और कोई इस पे वर्क डन नहीं लगने वाला सिर्फ इस पोटेंशियल की वजह से लगेगा बट अगर मैं क्यू टू की बात करूं तो इस पे दो वर्क डन लगने वाले एक तो लगने वाला वी की वजह से और एक लगने वाला क्यू वन की वजह से तो W2 टू की अगर बात करूं तो एक तो वी इंटू क्यू टू ठीक है प्लस इसकी वजह से बना वी वन इंटू क्यू टू ठीक है V1 into Q2 किसकी वजह से बना क्यू वन चार्ज की वजह से तो उसको दो फोर दो डन का यूज करना है उसे ठीक है टोटल वर्क डन की बात करू डूक्स टू बैठ गया w1 वन प्लस टू वैल्यू आ गई बी इंटू क्यू वन प्लस बी इंटू क्यू टू प्लस वन अपॉन फोर पाई साइन नोट क्यू वन क्यू टू ओवर आर वन टू तो ये आ गई मेरे टोटल पोटेंशियल या टोटल वर्कन की वैल्यू इस तरीके से ठीक है तो वी क्यू वन प्लस वी क्यू टू प्लस क्लियर है ये कब हो रहा है जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यूज कर रहे हैं तब हो रहा है ठीक है अगर इसी में मैं ऐड कर दूं ठीक है थ्री पॉइंट चार्ज सिस्टम इसमें ऐड कर दूं तो इसमें क्या है तीसरा कोई चार्ज आ जाएगा मेरा इस तरीके से इन्फिनिटी से चार्ज मान लिया मैंने क्यू थ्री तो अब इस चार्ज पे इसकी वजह से वन थ्री इसकी वजह से टू थ्री ठीक है अगर थ्री पॉइंट चार्ज सिस्टम की बात करो तब की बात है सिर्फ ये ठीक है थीक? तो ये क्या बन जाएगा वी क्यू वन प्लस वी क्यू टू प्लस वी क्यू थ्री प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नोट क्यू वन क्यू टू ओवर आर वन टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नोट क्यू वन क्यू थ्री ओवर आर वन थ्री प्लस वन अपॉन फोर पाई एफ साइन नोट क्यू टू क्यू थ्री ओवर आर ये बनेगा थ्री पॉइंट चार सिस्टम के लिए जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करेंगे ठीक है तो ये बनगी फाइनल टाइम क्लियर है आगे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहा हूं मैं और यहां पे क्या रख दिया मैंने ये रख दिया माइनस क्यू ये रख दिया प्लस क्यू अब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू में फोर्स लगेगी फोर्स किसकी वजह से लग रही है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है जिसकी वैल्यू है ई ठीक है इस कंडीशन में फोर्स लगी इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू हुई क्यू इस कंडीशन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगी इधर की तरफ जिसकी वैल्यू है क्यू e. वो भी माइनस का ठीक है तो फोर्स लगी दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी चीज यहां क्रिएट होगी ये है 90 इस डिस्टेंस को बोल दिया मैंने तो इसकी वजह से हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी ये डिस्टेंस ये बैठी थी हमारी टू ए साइन ठीटा ठीक है टू ए साइन थीटा अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है वहां इसकी वैल्यू बनी फोर्स क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू ए साइन थीटा टू ए साइन थीटा ये हम टॉर्क पहले चैप्टर में भी निकाल चुके हैं ये वाला टॉर्क जो है पहले चैप्टर में हम निकाल चुके हैं हम ठीक है तो हमें पता है Q इंटू टू एक्व होता है पी तो Q इंटू टू ए मैंने बोल दिया थीटा e ये निकल गया टॉर्क क्लियर है अब मैं देख रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी टी डब्लू इक्व टू टॉर्क इंटूठी कहाँ पे था थीटा था यहाँ पे

तो टॉर्क की वैल्यू रख दो पी ई साइन थीटा इंटू ई थीटा इस तरीके से ठीक है और थीटा वन से लेके थीटा टू तक की हम लिमिट ले लेंगे लोअर लिमिट थीटा वन अपर लिमिट थीटा टू अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेट जब करेंगे इसको तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या बैठा पी ई तो बाहर आ गया इंटीग्रेट थीटा वन से थीटा टू तक किसको साइन थीटा को, ठीक है तो साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है माइनस का कॉस थीटा, ये ये इंटीग्रेट करने के बाद आगे वैल्यू पी ई माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा वन से थीटा टू। ठीक है और इसे जब मैं यूज करूंगा तो डब्ल्यू इक्वल्स टू आ गया मेरा माइनस कॉमन भार पीई ठीक है, थीटा टू माइनस थीटा वन ठीक है अब अगर मैं बात थीटा की ठीक है तो थीटा इनिशियली मैं क्या ले रहा हूं इनिशियली ले लो नाइनटी मैंने जो फील्ड था जो फील्ड था इसके परपेंडिकुलर रखा था भाई मैंने तो अपने डायपोल को बट उसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा तो उसके बाद उसका डिफ्लेक्शन होके कुछ एंगल क्रिएट किया है उसने ठीक है तो मैंने इनिशियली थीटा को मान लिया नाइनटी और 2 को मान लिया कि वो बन गया तो यही मेरा बन जाएगा फॉर्मूलास e, 90 कॉस नाइनटी की वैल्यू जीरो तो ये तो कैंसिल तो ये बचा माइनस ई कॉस ठीक है और इसी को रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं यू से स्टोर्ड एनर्जी मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या बैठी पीई कोस थीटा वो भी नेगेटिव क्लियर है तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितनी पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी ये हमने निकाल दिया जो है माइनस पीई थीटा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं कुछ केसेस है इसमें जैसे कि स्टेबल तो हमें पता है यू टू क्या होता है माइनस पीई थीटा अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या लेता हूँ जीरो तो उस कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी बनी वो कितनी बनी कॉस जीरो मतलब वन तो यू इक्वल्स टू बन गई मेरी माइनस पी तो इसको बोलूंगा मैं क्या कि ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम ठीक है जी कि ये क्या है स्टेबल कंडीशन है इसके साथ क्लियर है ये चीजें दूसरी है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो इस कंडीशन में क्या है थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी वन और यू इक्वल टू बैठ गया माइनस पी न एट्टी की वैल्यू माइनस वन माइनस से माइनस तो यू की वैल्यू आ गई मेरी प्लस की पॉजिटिव की पीई -E. तो ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी अनस्टेबल इक्वी ब्रियम ठीक है नेक्स्ट चलता हूं मैं 90 डिग्री कि मैंने क्या है वो डाइपोल ऐसे रखा और वो फाइनली ऐसे ही रहा तो इस कंडीशन में उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हुआ ये हो गया मेरा यू इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस नाइन्टी की वैल्यू होती है जीरो जीरो तो इसी को बोलते हैं जीरो एनर्जी ठीक है तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल में ठीक है कितनी बन रही है उसकी वैल्यूज होगी स्पेशल कंडीशन ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक थैंक यू नमस्कार